हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन एरिया पैरामीटर से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। इसमें हमें सिर्फ स्क्वायर का डायगोनल गिवन है और हमें पैरामीटर निकालनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। एक स्क्वायर है ए बी सी डी और 12 अंडर रूट 2 डायगोनल गिवन है, हमें और कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल ही होंगे बेटा। तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब भी डायगोनल गिवन हो तो हम बाकी मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। यहां देखिएगा ए बी डी, ए बी डी एक ट्राइंगल बनता है विच इज 90 डिग्री। हाँ, एक चीज और कि पाइथागोरस जो होता है वो सिर्फ 90 डिग्री के ट्राइंगल पे ही इम्प्लीमेंट होगा। जहां 90 डिग्री होगा वही इम्प्लीमेंट होगा, किसी भी ट्राइंगल पे हम इसको पाइथागोरस नहीं करेंगे। तो यहाँ 90 का है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं। अब इसकी हम साइड पता करते हैं। अब ये देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी और बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेनस एक तरफ होता है और परपेंडिकुलर और बेस एक तरफ होता है। इतना ध्यान रखिएगा, जो ये दोनों जो है ना ये एक साइड होंगे और ये एक तरफ होगा। इन ट्राइंगल ए बी टी लेट ए बी इज इक्वल टू ए एंड ए डी इज इक्वल टू, मैंने ए लेट करा है, आप बी एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ए डी इज इक्वल टू ए बिकॉज बोथ आर सेम, और बी डी, बी डी इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी, बी डी अलग रहेगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। बेटा आप शॉर्टकट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में आंसर गलत आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप करिएगा शॉर्टकट। अब यहाँ देखिएगा, बी डी की वैल्यू क्या है, 12 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ए बी ए का स्क्वायर प्लस ये भी ए का स्क्वायर हो गया। 12 अंडर रूट 2 की हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेशनल नंबर की टर्म है, यहाँ पे ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 की हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 2 की हम रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब रूट 2 की रूट 2, जब अंदर नंबर सेम हो और रूट हो तो रूट 2 इंटू रूट 2, देखिएगा इधर रूट 2 इंटू रूट 2, अंदर रूट में 2 इंटू 2 हो गया तो 2 में से एक बाहर आ जाता है तो 2 ही आएगा बाहर। ठीक है, तो ये वाली टर्म चलती है, तो शॉर्टकटली हम माइंड में रख लेते हैं, जब दो रूट एक जैसे होते हैं तो हम रूट हटा के एक नंबर लिख देते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। ठीक है, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 144 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आएगा। इधर स्क्वायर था तो इधर 144 अंडर रूट में आ गया। अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। क्लियर, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 4, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट था, स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ही चढ़ा है, तो हम 2 का पेयर बनाएंगे, 2 में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ए इज इक्वल टू 12 आ जाता है, मीन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाती है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में था पैरामीटर, तो जब साइड पता हो तो पैरामीटर तो निकाला ही जा सकता है। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12 4 जा 48 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होता है। आई होप आपको ये डायगोनल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।